हेलो एवरीवन, मैं पूजा खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो मेकअप से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मेकअप के बारे में कुछ बताइए और मेकअप करके दिखाइए। तो मैंने जो आज सोचा है आपके लिए, वो ये सोचा है कि मैं मेकअप करके अभी नहीं दिखाने वाली हूँ, करके मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बट मैं आपको आज मेकअप के जिस जिस सामान से मैं करने वाली हूँ, जो जो सामान मैं उस मेकअप में यूज़ करूँगी, उसका पहले इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान के साथ मेकअप करके नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो मैं मेकअप आपको बताने वाली हूँ, ये मेकअप वो है जो आप आराम से घर पे, जो लेडीज़ वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं, वो लोग घर पे आराम से कर सकती हैं और डेली में भी कर सकती हैं। जो ऑफिशियली अपना काम करती हैं, ऑफिस में जाना होता है जिनका डेली, उन लोगों को मेकअप की ज़रूरत पड़ती है डेली। और कुछ लोगों का काम भी थोड़ा ऐसा होता है कि उन लोगों को डेली मेकअप की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको पहले उस सामान से इंट्रोडक्शन कराती हूँ जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा और बहुत कम प्राइस का होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और उन सामान के साथ आप अच्छे से अपनी एक मेकअप की किट तैयार कर सकते हैं जो आप डेली में यूज़ करेंगे और आपका कम से कम वो 6-7 घंटे 12 घंटे, मतलब 10 घंटे तक आपका वो मेकअप स्टे करेगा। काफ़ी उससे भी ज़्यादा करता है, बट डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके का काम करते हैं, तो वो उस तरीके से ही आपका डिपेंड करेगा। सर्दियों में तो मेकअप काफ़ी लंबा चलता है और गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है, बट जो मैं सामान आपको दिखाने वाली हूँ वो आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं उस सामान से। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेकअप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पहला सामान होगा वो ये होगा कि अगर आपने अपनी फेस, मतलब के मेकअप जब आप करने वाले हैं, तो पहले अपने फेस को आप सेट करें, मतलब कि सेट किस तरीके से करें कि पहले आप अपने फेस को वॉश करें अच्छे से, फिर उसके बाद में टोनिंग करें अपने फेस की अच्छे से, CTM जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करने के बाद अपनी स्किन पे आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, मॉइस्चराइज किस चीज़ से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मॉइस्चराइज करने के लिए आपको, मैं निविया सॉफ्ट वाटर यूज़ करती हूँ, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ, मैं निविया सॉफ्ट वाटर यूज़ करती हूँ और ये हर स्किन टाइप के लिए होता है, तो मेरे हिसाब से आपको भी सूट करेगा बहुत अच्छे से। और नहीं करें तो आप अपने हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा सा ले लीजिएगा और उससे आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए। और मॉइस्चराइज करने के बाद आप 5 मिनट छोड़ दीजिए अपनी स्किन को, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मॉइस्चराइज हो गया, उसके बाद हम अपनी स्किन को प्राइम करेंगे, मतलब प्राइमर से प्राइम करेंगे। तो ये जो प्राइमर मैंने लिया है, ये मेकअप एंड मोर का प्राइमर है और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है और मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज करके और इसको अपने पास रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आता है और बहुत कम लगता है, मतलब अपने फेस पे ना। मैं इसको यूज़ करने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसी सामान से मैं आपको एक मेकअप भी बताऊँगी, करके दिखाऊंगी आपको मेकअप, और ये वीडियो मैं दोनों अलग अलग डालूंगी। पहले मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में मेकअप की वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी और मैं इन्हीं सब सामान से यूज़ करूंगी, आप देखते रहिए। तो देखिए, ये हमने अपनी स्किन को प्राइमर से प्राइम कर लिया, उसके बाद हम अपनी स्किन को और 2 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमें करना है वो ये करना है कि अगर हमारी स्किन पर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तब तो हमें अपनी स्किन कंसील करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से कंसीलर आते हैं, आपने देखा भी होगा प्रो कंसीलर जो आते हैं, तो ये इस तरीके से कंसील आते हैं। अगर आपकी स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप देखिए मेरी स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फॉर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो मैं अपने कंसीलर से इन चीज़ों को कंसील कर सकती हूँ। बट अगर आपके मतलब पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पर रेडनेस है, तो रेडनेस के लिए आपको ग्रीन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किन पर ब्लैकनेस है, मतलब कि आपकी स्किन अनइवन है चारों तरफ से और आपके डार्क सर्कल वगैरह है और मतलब पिंपल्स वगैरह के निशान है, तब आपको ये ऑरेंज कंसीलर चाहिए। तो ये 3 कंसीलर आप लोगों के पास होने चाहिए, ये हो गए कंसीलर, ठीक है। उसके बाद आ गया, हमें अपने फेस पे बेस तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, हमें अपने फेस पे बेस जो तैयार करना है वो क्राइलोन के सुप्रा आते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब बेस माने जाते हैं ये भी एक तरीके के कंसीलर ही हैं, बट ये बेस का काम करते हैं और आपकी स्किन को बिल्कुल इवन, जो आप ऑरेंज से अपनी स्किन पे कंसीलिंग करेंगे, उसके ऊपर से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से उसको कवर कर देगा और आपके दाग धब्बों को बाहर नहीं दिखने देगा बिल्कुल भी। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप ये अपने लिए परचेस करके रखें, अपने कलर का जो आपकी स्किन टोन हो, ठीक है, उस तरीके से आप परचेस करें। तो ये हो गया बेस, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम फाउंडेशन पे। तो जो मुझे पर्सनली फाउंडेशन अच्छा लगता है और जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी मिल जाता है, तो वो होता है फिट मी का, मतलब मैबलिन का जो फिट मी आते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर ले सकते हैं। ये मेरी स्किन टोन का है तो मैंने ये अपनी टोन के लिए लिया है, तो आप ये फिट मी के कलर ये कर सकते हैं फाउंडेशन यूज़। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और स्मच प्रूफ होते हैं, बहुत बढ़िया होता है और इससे आपका
जो मेकअप है वो काफ़ी लंबा चलेगा। तो आपका फाउंडेशन भी हो गया। अब आ गया है कॉम्पैक्ट, जिससे हमें ये सेट करना है सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए जो हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम क्रायलोन का कॉम्पैक्ट, और ये दो तरीके के उसमें आता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दो तरीके के इसमें आएगा और ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसको यूज़ करने के बाद देखिए, आप अपने फेस पर जब इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपका मेकअप बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से इसे बेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद आप अपने फेस पे, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम अपने फेस पे ब्लशर वगैरह यूज़ करेंगे, हाइलाइटर वगैरह यूज़ करेंगे, लिपस्टिक यूज़ करेंगे, मतलब हमारा बेस पूरा तैयार हो गया है। इससे हमारे सारे स्पॉट्स वगैरह सब कवर हो जाएंगे स्किन पे, कोई भी हमारी स्किन पे कोई स्पॉट्स वगैरह दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए जैसे देखिए हल्का फुल्का स्पॉट अगर कोई दिखाई भी दे रहा है तो उसके लिए हमें कवरेज करनी होती है, लेयर बाई लेयर ना कवरेज करनी होती है। तो वो आप जब धीरे धीरे करने लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको हमें हाइड करना है, तो हम उस तरीके से आप लोगों को इजीली आने लगता है। तो ये आपके मैंने फेस के बेस बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्किन पे देखिए ये हाइलाइटर है, ये शिवाना का हाइलाइटर है, और ये आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं जिस जिस एरिया को आपको अपनी हाइट करना हो, मतलब हाईलाइट करना हो। जैसे ये एरिया हो गई, नोज़ की एरिया हो गई, लिप्स की हो गई, ये साइड की हो गई, तो इनको आपको इस तरीके से ये शिवाना का हाइलाइटर आप यूज़ करिए और काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आ जाएंगे हम ब्लशर पे। तो देखिए कलर बाल का ब्लशर है और काफ़ी अच्छा ब्लशर है ये, और मतलब रेड रेड वाला नहीं है, ये थोड़ा पीच पीच वाला कलर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी आपको ब्लशर जिस तरीके का पसंद हो उस तरीके से आप ब्लशर ले सकते हैं। उसके बाद आ गए हम आई शेडो पे, ठीक है। तो आई शेडो आप देखिए, मैंने तो बहुत छोटा सा पैलेट लिया हुआ है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बाकी पार्लर पे तो काफ़ी कुछ होता है। तो ये कलर मैं मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कलर ना इन है, मतलब आप सोचें आजकल ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं सब लोग, ये स्मोकी आइज़ वाले उस पे आ जाता है। लेकिन आपको अगर ये कलर नहीं लेने हो, आपको कोई और कलर लेना हो, तो इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी सारा होता है। और ये देखिए काफ़ी, और ये मैट और शिमरी दोनों में आता है, देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं, मैट और शिमरी दोनों में आता है, काफ़ी अच्छा है। और ये 2-in-1 है, इसके साथ में आपको हाइलाइटर भी, देखिए इसके साथ में आपको ना ब्लशर भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर ये पैलेट आपको मिल जाता है तो फिर तो आपको अलग से ब्लशर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अब हम आएंगे वो आएंगे मस्कारा पे। तो मस्कारा जो होता है वो मैं मैक का यूज़ करती हूँ, सबसे अच्छा मस्कारा होता है और बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती कि कहीं से फैल गया है क्या हो गया। उसके बाद हम अपनी आईलाइनर वगैरह पे आएंगे। तो आईलाइनर के लिए देखिए मैं ADS का आईलाइनर यूज़ करती हूँ, और ये 2-in-1 है, ये जेल लाइनर है, देखिए ये लाइनर का भी काम करेगा और ये आपकी वाटर लाइन पे भी काम करेगा। और इससे आप अपनी आईब्रो फिल कर सकते हैं, जो ये इसके ऊपर वाला है इस पर आप अपनी आईब्रो फिल कर सकते हैं, और इसको आप ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपको ये इस तरीके से नहीं लगा पाए आप, तो देखिए आप लैक्मे के लाइनर यूज़ कर सकते हैं, जो लिक्विड लाइनर होते हैं। और वाटर लाइन के लिए आप देखिए, जैसे ये ओरिफ्लेम का है, वाटर लाइन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा जेल लाइनर वगैरह लगता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो और फिर आ गए हम लिपस्टिक के ऊपर। तो देखिए ये कलर एसेंस की लिपस्टिक हैं और ये काफ़ी अच्छी हैं, मतलब ये लिप ग्लोस है एक तरीके का। तो देखिए मैंने ये इस टाइम पे यही यूज़ किया हुआ है, और आई थिंक मेरे को यूज़ करे हुए भी इसको 3-4 घंटे हो गए हैं, और अभी तक देखिए मैंने दोपहर का खाना भी खा लिया है, उसके बाद भी ये मेरी होठों से अभी तक नहीं हटा है। और ये काफ़ी अच्छा होता है, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब स्मच प्रूफ होता है, कहीं से भी ना फैलता वैलता नहीं है, आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी तो फैलता भी नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको शॉपकीपर के पास आप जा रहे हैं, वो आपको किसी और चीज़ की सलाह दे रहा है, तो आप देख सकते हैं, बट अगर आपको कलर एसेंस के मिल जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, जिस कितने कम सामान के साथ आप अपना मेकअप कर सकते हैं और क्या क्या सामान आपको मेकअप के टाइम पर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, आपको ये सारा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रश की सहायता से करना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए ब्रश आते हैं, ये सारा यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी, जब हम ब्रश यूज़ करेंगे तो उस तरीके से मैं आपको ये ब्रश का यूज़ सारा बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अलग से आएगी और वो वीडियो अलग से आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।